नरेला एनआईए थाना पुलिस की टीम ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने होली वाले दिन एक युवक पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद से ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था। लेकिन अब बीती रात बवाना जैजे कॉलोनी चौकी इंचार्ज की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। नरेला एनआईए थाना पुलिस की टीम ने कैसे वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने होली वाले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए थे। वो घायल युवक दिल्ली पुलिस की मदद लेने के लिए वहीं बवाना चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा। वहीं बवाना चौकी इंचार्ज की टीम ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं इस मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए पहले इसके साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद बीती रात इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि यह आरोपी बवाना जैजा कॉलोनी में आने वाला है, जिसके बाद बवाना चौकी इंचार्ज की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है। आरोपी समीर बवाना जैजा कॉलोनी का ही रहने वाला है और इसके ऊपर करीब 17 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।